मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि रील शूट करने के लिए एक लड़की भरे बाजार ब्रा पहनकर घूम रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़की पिछले 3 दिनों से लगातार शहर की प्रमुख जगहों पर वीडियो बना रही है, फिर उन्हें शेयर कर रही है। इसमें एक वीडियो इंदौर के मशहूर 56 दुकान का भी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने जब संस्कार सीखने की बात कहकर लड़की की आलोचना की तो उसने पलटवार करते हुए कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको दिक्कत है वो मुझसे मिल सकते हैं। लड़की ने कहा कि मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, लेकिन ऐसे ही कपड़े बहुत सी लड़कियाँ पहनती हैं। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसी ही लगती हूँ, तो मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियाँ पहनती हैं, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसी ही लगती हूँ, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। लड़की का कहना था कि मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं 100-200 चैनलों पर अभी और आऊंगी, मैं एक हफ्ते तक आती रहूंगी और इसी तरह ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि लड़की ने अपना एड्रेस भी बता दिया। मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है, और मुझे लगता है अभी और कम से कम 100-200 चैनल पे और आऊंगी, अभी 1 वीक तक आती रहूंगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या जो भी लगता है या किसी ने पुलिस कंप्लेन की है, तो प्लीज उन्हें मेरा एड्रेस बता दे, वो मुझसे आके मिल सकते हैं डायरेक्टली फेस टू फेस। मैं 78 में रहती हूँ, विजयनगर। बाद में मामला तूल पकड़ता गया। वायरल वीडियो पर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है, इसके खिलाफ कुछ महिला संगठन पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बीच अब लड़की का एक ताजा वीडियो सामने आया है। इसमें उसने अपने तेवर नर्म करते हुए लोगों से माफी मांग ली है। इसमें लड़की कहती नजर आ रही है कि मेरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें मैंने बेहद कम कपड़े पहने हैं, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। इस वीडियो से जिस किसी को दुख पहुंचा है उन सभी से मैं माफी मांगना चाहती हूं। लड़की ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। उसका ये भी कहना है कि मेरे वीडियो से जिन्हें भी चोट पहुँची है उन सभी से सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ है मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि वो दुबई में रहती है। वहीं डीसीपी इंदौर हंसराज सिंह का कहना है कि पुलिस ने इस युवती की माफी वाला ताजा वीडियो भी देखा है और हमें देखना होगा कि सार्वजनिक स्थान पर छोटे कपड़ों में घूमने के पीछे युवती का मकसद क्या था, मौजूदा वक्त में वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। हम ये भी देखेंगे कि उसके परिवार में कौन लोग हैं। हम कानून के जानकारों से राय लेने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे।